तो लोकसभा को लेकर चुनाव जन सुराज से कोई लड़ेगा कि नहीं, उस पर दो टिप्पणी मैं कर सकता हूं। पहला, जन सुराज जब दल नहीं है तो जन सुराज तो लड़ नहीं सकता है, लेकिन जन सुराज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है जन सुराज सीतामढ़ी परिवार के हमें चुनाव लड़ना है, तो ये संभव है कि वो अपने बीच से किसी को चुनाव लड़ाए, और अगर वैसे ऐसी कोई बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर और जन सुराज की जो भी ताकत समझ है वो उस उम्मीदवार के पीछे लगेगी। यह ऐलान अपने आप में बड़ा है। क्या धीरे धीरे प्रशांत किशोर चुनावी राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा हुआ। कहा, जन स्वराज परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो उसके पीछे संसाधन और पूरी ताकत लगाई जाएगी। सीतामढ़ी में जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव पर अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, लोकसभा को लेकर चुनाव जन स्वराज से कोई लड़ेगा कि नहीं, उस पर दो टिप्पणी मैं कर सकता हूं। पहला, जन स्वराज जब दल नहीं है तो जन स्वराज तो लड़ नहीं सकता है, लेकिन जन स्वराज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है जन स्वराज सीतामढ़ी परिवार के हमें चुनाव लड़ना है, तो ये संभव है कि वो अपने बीच से किसी को चुनाव लड़ाए, और अगर वैसे ऐसी कोई बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर और जन स्वराज की जो भी ताकत समझ है वो उस उम्मीदवार के पीछे लगेगी। जो बात मैंने पदयात्रा के शुरुआत में कही है कि ये दल नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है, हमारा काम है कि पूरे बिहार में घूमकर इन समस्याओं को समझें, और हमको भगवान ने जो शक्ति बुद्धि साधन व्यवस्था दिया है बिहार के विकास के लिए, एक हर पंचायत वाइज नया ब्लूप्रिंट बनाया जाए, हर पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो बिहार में समझते हैं कि एक नया विकल्प बनना चाहिए। जब ये सारे लोग साथ में आएंगे तो वो लोग मिल के निर्णय लेंगे। जिन जिलों से पदयात्रा हो गई वहां पर जो लोग जन स्वराज के पुरोधा या संस्थापक बन रहे हैं, ये निर्णय उनको करना है कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। उदाहरण के तौर पर जब पहले 5 जिलों में हम लोगों ने पदयात्रा खत्म की तो एक MLC का उपचुनाव हुआ, तो उन 5 जिलों के जो जन स्वराज के साथी थे उन्होंने ये तय किया कि भैया हम लोग को ये उपचुनाव लड़ना चाहिए। तो एक जन स्वराज में से ही एक शिक्षक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, और जन स्वराज के साथियों ने मिलकर उनका सहयोग किया और उनको जिताकर लाए।